आज हमें ऐसा देख करके आप सबके मन में बहुत से सवाल उठ रहे होंगे कि आज ये मैम को हो क्या गया है। तो जब बात हम भारतीय संस्कृति की कर रहे हों तो इतना तो बनता है ना। आप सबने रामलला की प्रतिमा के बारे में तो सुना होगा। अब आप सबके मन में बहुत से सवाल उठ रहे होंगे कि ये प्रतिमा के लिए पत्थर कहाँ से आया, ये पत्थर कितना प्राचीन है, हिंदू संस्कृति में इसकी महत्ता क्या है, इसकी कीमत क्या है, या ये किसी ने भेंट दिया है। ऐसे ही कुछ सवाल मेरे भी मन में आए थे। आपको पता है भारतीय संस्कृति ही इतनी विशाल है जहाँ बेटी को सिर्फ कन्यादान ही नहीं दिया जाता, बल्कि जब उसके ससुराल में कोई भी पौराणिक कार्य हो तो उसके पीहर से प्रेम स्वरूप कोई ना कोई उपहार जरूर उसके ससुराल भेजा जाता है अपनी उपस्थिति और अपना प्रेम दर्ज कराने के लिए। तो कुछ ऐसा ही हुआ बरसों बाद अयोध्या में, जब वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा पौराणिक कार्य शुरू होने जा रहा है। आप सबको पता होगा कि जब राम मंदिर का फैसला आया था तभी नेपाल की सरकार ने भारत सरकार के सामने एक प्रस्ताव रखा था कि हम वहाँ रामलला की प्रतिमा के लिए जो पत्थर भेजे जाएंगे वो नेपाल की तरफ से भेंट स्वरूप जाएंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि नेपाल से ही क्यों, तो बता दें कि नेपाल जो है, नेपाल के मिथिला की ही एक कुमारी से अयोध्या के कुमार का विवाह हुआ था। जी हाँ, मिथिला की सीता माता से ही रामलला का विवाह हुआ था। और जब आज सीता माता के ससुराल में इतना बड़ा पौराणिक कार्य होने जा रहा है तो मिथिला से यानी कि नेपाल से उनके ससुराल में कोई भेंट ना आए ऐसा कैसे हो सकता है। तो इसी भेंट स्वरूप नेपाल की सरकार ने वहाँ के सबसे कीमती पत्थर, जिनकी सिर्फ कीमत ज़्यादा नहीं है, उनकी खुद की महत्ता बहुत ज़्यादा है, जिन्हें हम शालिग्राम पत्थरों के नाम से जानते हैं। आप सबको पता होगा कि शालिग्राम पत्थर खुद में कितने पवित्र होते हैं। ये खुद में इतने पवित्र होते हैं कि इनकी कभी प्राण प्रतिष्ठा तक नहीं करनी पड़ती। ये एक शिवलिंग जितने ही अमूल्य होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ यही शालिग्राम पत्थर क्यों, क्योंकि ये 6,000 करोड़ वर्ष पुराने हैं। और जब कोई मूर्ति या कोई प्रतिमा बनाई जाती है ना, तो उसके लिए सबसे बेहतरीन और अव्वल दर्जे के पत्थर चुने जाते हैं। तो ये तो खुद शालिग्राम है। शालिग्राम को स्वयं विष्णु भगवान का अवतार भी माना जाता है, इसलिए इसकी खुद में महत्ता और बढ़ जाती है। आपको ये तो पता होगा कि भारत और नेपाल के संबंध हमेशा से बहुत अच्छे रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि इसके बाद ये संबंध और भी घनिष्ठ हो जाने वाले हैं। और हो भी क्यों ना, आखिरकार नेपाल ने अपनी बेटी अयोध्या के कुमार को बरसों पहले दी थी, तो ये रिश्ता तो बरसों से चला आ रहा है। और इसीलिए इन्हीं शालिग्राम पत्थरों से रामलला और सीता माता की मूर्ति बनाई जाएगी, क्योंकि ये जो मूर्ति है ना, ये हजारों वर्ष कठिन परिस्थितियों में भी ज्यों की त्यों रहेगी। और हमारे वैज्ञानिकों का और सूत्रों का ये भी मानना है कि ये जो रामलला का मंदिर बनाया जा रहा है, ये विपरीत परिस्थितियों में भी कई वर्षों तक, या यूँ कह लो कि कई हजार वर्षों तक ऐसा ही रहने वाला है। तो इन मंदिरों की प्रतिमा के लिए इन पत्थरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। जय श्री राम।